नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम में आज हम बात करें कर्नाटक चुनाव को लेकर। देखिए, बीजेपी से नहीं मिला टिकट तो इस मठ के महंत निर्दलीय प्रत्याशी बनकर मैदान में उतरे। और देखिए, मठ के महंत हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और आपको बता दूं कि जिस तरह से टिकट नहीं मिला है महंत को, इससे बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि निर्दलीय चुनाव में जिस तरह से उतर चुके हैं वो, उससे कहीं ना कहीं वोट कटेंगे और वोट कटने से बीजेपी को खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। कर्नाटक के चुनाव में सबसे अहम भूमिका यहाँ के मठ निभा रहे हैं। हर राजनीतिक दल मठ का आशीर्वाद पाने के लिए मंदिर मठों की तरफ दौड़ लगा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हो या बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कर्नाटक दौरे की शुरुआत मठों में मत्था टेक कर ही शुरू करते हैं। कर्नाटक की राजनीति में मठों के बढ़ते महत्व को देखते हुए अब मठ के महंत खुद ही राजनीति में ताल ठोकने के लिए उतर रहे हैं। मठों के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई महंत चुनाव में उतर रहा है और बीजेपी से टिकट नहीं मिला है। देखिए, बीजेपी से टिकट नहीं मिला है, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। कांग्रेस को बड़ा फायदा मिल सकता है और ये भी हो सकता है कि ये महंत जो है बीजेपी पर भारी पड़ जाए। जी हाँ, सदियों पुराने उडुपी के अष्ट मठों के एक महंत ने चुनाव मैदान में उतरते हुए 12 मई को होने जा रहे कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन भरा। इन मठों के इतिहास में यह पहली बार हुआ है। शरूर मठ के महंत श्री लक्ष्मीवार तीर्थ स्वामी ने भाजपा का टिकट पाने में नाकाम रहने पर बतौर निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन भरा और जिससे जो है बीजेपी को कड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। 2019 में लोकसभा के चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी काफी कोशिशें कर रही है। 2019 को लेकर बीजेपी क्या रणनीति बना रही है इस चुनाव के साथ साथ, आइए दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में पीएम मोदी ने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की महत्वाकांक्षी कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करने को कहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा था कि बैठक में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई थी। अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को और मजबूत बनाने और पार्टी के विकास एजेंडे को गरीबों तक पहुंचाने जैसे विषयों पर चर्चा हुई। सिंह ने कहा, हमने अपने सुशासन के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की और मुख्यमंत्रियों ने बताया कि वो इस दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष तक हर घर में बिजली पहुंचाने और 2022 तक सभी परिवारों को घर मुहैया करवाने का फैसला लिया गया है। भाजपा के एक मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक के दौरान विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने प्रदेश में केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं के बारे में प्रस्तुति दी और आगे की कार्य योजना पेश की। बैठक के दौरान पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने केंद्रीय बजट में प्रस्तावित योजनाओं को आने वाले समय में अपने अपने प्रदेशों में लागू करने पर जोर दिया। केंद्र सरकार ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में योजनाओं को लागू करने की समीक्षा और जनता के बीच प्रभाव का आकलन करने को कहा। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह एवं कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्रियों के साथ व्यापक चर्चा की। उन्होंने कहा, इन परिस्थिति में सरकार और पार्टी दोनों की कोशिश है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। इस वक्त देश के 19 राज्यों में भाजपा या फिर सहयोगियों के साथ उसकी सरकार है। पार्टी का मानना है कि अगर राज्यों में केंद्र सरकार की योजनाओं को अमली जामा पहना दिया जाए तो फिर इसका व्यापक असर पड़ेगा। 2018-19 के आम बजट में केंद्र सरकार ने गांव, गरीब और किसान पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। ऐसे में पार्टी का जोर इस बात पर है कि बजट के प्रावधानों को धरातल पर उतारा जाए। बैठक में देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए मुफ्त में 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देने, किसानों को फसल के उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य देने के अलावा केंद्र सरकार की उज्ज्वल योजना, सौभाग्य योजना, जन धन योजना को लागू करने की विविध आयामों पर भी बात उन्होंने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का हमेशा से इस बात पर जोर रहा है, केंद्र सरकार और राज्य
कि जो योजनाएं हैं उनका लाभ समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, देवेंद्र फडणवीस, योगी आदित्यनाथ, विजय रूपाणी और कई नेता शामिल थे। तो देखा आपने 2019 को लेकर भी बीजेपी क्या रणनीति बना रही है, क्या कोशिशें कर रही है। और अगर जैसे कि हम बात कर रहे हैं, अब मठों के इतिहास में स्वामी ऐसे पहले मैन थे जो चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने उडुपी में संवाददाताओं से कहा कि वह भाजपा से टिकट चाहते थे लेकिन उन्हें नहीं दिया गया। उन्होंने कहा, बतौर निर्दलीय उम्मीदवार मेरी उम्मीदवारी से भाजपा और प्रधानमंत्री को फायदा होगा। टिकट मांग रहे थे लेकिन टिकट नहीं दिया गया, तो ऐसे में इससे जो है नुकसान उठाना पड़ सकता है बीजेपी को। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं कर्नाटक चुनाव के साथ साथ 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो देखिए कांग्रेस भी काफी कोशिशें कर रही है कर्नाटक चुनाव के साथ साथ 2019 के चुनाव जीतने के लिए रणनीतियां भी बनाई जा रही है। आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं 2019 को लेकर कांग्रेस किस तरह की रणनीति बनाने में जुटी हुई है। 2019 का चुनाव जीतने के लिए राहुल गांधी काफी कोशिशें कर रहे हैं। आपको बता दें, गुजरात में कांग्रेस प्रदर्शन पर राहुल गांधी काफी खुश हुए थे, लेकिन वो ये जानते हैं कि गुजरात चुनाव में कांग्रेस को जीत के करीब लाने वाले नेता कांग्रेस के नहीं थे बल्कि बीजेपी विरोधी वो नेता थे जिन्होंने अपनी लाइफ के लिए गुजरात सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया। राहुल गांधी को ऐसे नेता के साथ हर राज्य में चाहिए जहां पर उनकी सरकार नहीं है, लेकिन उनका मुकाबला बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह से है जो इस तरह के खेल में माहिर है। साल 2018 चुनाव का मौसम लेकर आया है पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ कर्नाटक और साल के अंत तक मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव है। चुनाव वाले राज्यों में से तीन में कांग्रेस की सरकार है, मेघालय, मिजोरम और कर्नाटक। कांग्रेस को इन राज्यों में अपनी सरकार बचानी है, साथ ही बीजेपी शासित राज्यों में सेंधमारी करनी है। पर जिस लाभ लश्कर के साथ बीजेपी चुनाव में उतरती है, क्या वो कांग्रेस के पास है? इस साल देश भर में 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पूर्वोत्तर में त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में मार्च तक चुनाव होंगे, जबकि मिजोरम में नवंबर में चुनाव की खबर है। वहीं दक्षिण में कर्नाटक में अप्रैल या मई में चुनाव होंगे, जबकि हिंदी बेल्ट, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में साल के अंत तक चुनाव होंगे। कांग्रेस को अपना गढ़ तो बचाना ही है, साथ ही राजस्थान और मध्य प्रदेश में किसानों के गुस्से की वजह से बड़े असंतोष का फायदा उठाना है। मेघालय में अभी मुकुल संगमा की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार है। 60 सीटों के इस चुनाव में बीजेपी ने अपना पूरा जोर लगाया है। वहीं त्रिपुरा में वामपंथियों का गढ़ है। बीजेपी पश्चिम बंगाल के बाद यहां पर कब्जा करना चाहती है। क्या राहुल गांधी को त्रिपुरा में वामपंथ का साथ मिलेगा? एक तरफ जहां कांग्रेस कर्नाटक में अपने आखिरी सियासी किले को बचाने की पूरी कोशिश करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी वहां कांग्रेस के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाकर राज्य सरकार उखाड़ने की पूरी कोशिश करेगी। कर्नाटक में इस साल के आखिर में 224 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। फिलहाल वहां कांटे की टक्कर है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लगा पाएगी सेंध? जी हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ की सरकारों को लेकर असंतोष काफी है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार पर घोटाले के आरोप की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर, राजस्थान में वसुंधरा सरकार के खिलाफ काफी असंतोष देखा जा रहा है। इन तीनों राज्यों में कांग्रेस तभी फायदा उठा पाएगी जब वो इन राज्यों इकाइयों में गुटबाजी खत्म कर दे। आपको बता दें कि 2019 में जल्दी लोकसभा के चुनाव भी हैं और ऐसे में कांग्रेस हर स्तर पर कोशिश कर रही है कि वो चुनाव जीत सके। इसी के तहत राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में अपनी टीम के सदस्यों को लाना चाहते हैं। 25 सदस्य इस समिति में कई युवा नेताओं की नियुक्ति की खबर है। बताया जा रहा है कि उनकी टीम में अनुभवी नेताओं और युवा चेहरे शामिल होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुराने गार्ड के बीच कुछ युवा नेताओं के लिए रास्ता बनाना होगा, आपको बता दें। लेकिन अब ये राहुल गांधी को तय करना है कि वो चुनाव कैसे जीतेंगे। तो देखा आपने किस तरह की रणनीति बना रही है कांग्रेस भी। रिपोर्ट्स की तरफ रुख कर लेता हूँ। कर्नाटक के 30 जिलों में 600 से अधिक मठ हैं। इन मठों ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भाजपा के प्रमुखों को अपनी शरण में आने पर मजबूर कर दिया। कर्नाटक में हमेशा से ही मठों की राजनीति हावी रही है और लोगों पर मठों का खासा प्रभाव रहा है, लिहाजा राजनीतिक पार्टियां चुनावी समय में मठों के दर्शन कर वहां के मठाधीशों को अपनी ओर लुभाने की कोशिश करती रही है। ऐसे में मतदाताओं पर मठों के प्रभाव को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ रही है। संत समागम से जुड़े स्वामी आनंद स्वरूप ने बताया कि कर्नाटक में लिंगायत समुदाय से जुड़े करीब 400 छोटे बड़े
मठ है, जबकि वोकालिंगा समुदाय से जुड़े करीब 150 मठ है। कुर्बा समुदाय से 80 से अधिक मठ जुड़े हैं। इन समुदायों का कर्नाटक की राजनीति में खासा प्रभाव है। ऐसे में राजनीतिक दलों में इन मठों का आशीर्वाद प्राप्त करने की होड़ लगी रहती है। बता दें कि राज्य के चुनावों की घोषणा से ठीक पहले कांग्रेस ने लिंगायत समुदाय को अल्पसंख्यक दर्जा देने की घोषणा की थी। लिंगायत समुदाय राज्य की 17% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है और 224 सदस्य विधानसभा की 100 सीटों पर अपना प्रभाव रखता है। इस समुदाय को परंपरागत रूप से बीजेपी का वोटर भी माना जाता है और इस पार्टी के सीएम चेहरे बीएस येदुरप्पा इसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। देखिए, इसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं लिंगायत समुदाय से, और लिंगायत समुदाय का दबदबा जिस तरह से, उससे कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। देखिए, कर्नाटक में 12 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीते शनिवार को 368 नामांकन दाखिल किए गए। इस तरह अब तक 1144 नामांकन पत्र दाखिल हो चुके हैं। बीते शनिवार को नामांकन दाखिल करने वालों में पूर्व मंत्री बी श्री रामुल्लु भी हैं। श्री रामुल्लु खनन कारोबारी जी जनार्दन रेड्डी के करीबी सहयोगी हैं। चुनाव का दौर जैसे कि शुरू हो चुका है, तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं, तमाम तरह से चुनाव जीतने के लिए रणनीतियां बनाई जा रही हैं, लेकिन आखिरकार इन रणनीतियों में कौन सी पार्टी खरी उतरेगी, कौन सी पार्टी सही साबित होगी और कौन चुनाव जीतेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जनता इस बात का फैसला करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मठ जो है वो जिस तरह से वो मैदान में उतरे हैं उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। और महंत जिस तरह से वो नाराज़ हैं, बीजेपी से टिकट मांगा था, टिकट नहीं मिला, तो ये नाराज़गी कहीं बीजेपी पर भारी ना पड़ जाए। जी हाँ, कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं और अगर ये जो कह सकते हैं जो गलती बीजेपी ने की है, अगर वो गलती उन पर हावी हो जाती है तो उसका बड़ा नुकसान उन्हें उठाना पड़ सकता है। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाज़त दीजिए। नमस्कार।